नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में। आज हम आए हैं गोलपाड़िया के गिरवाई क्षेत्र में महाकाली पोल्ट्री फार्म पर और जानेंगे कड़कनाथ के अंडों से बच्चे कैसे निकाले जाते हैं, चूजा कितने का है, कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं और ये जो मशीन बनाई हुई है जुगाड़ से ये किस तरह बनाई है इन्होंने, ये सारी चीज़ें जानेंगे और वैक्सीन किस कंपनी की देनी चाहिए ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो मिलते हैं महाकाली पोल्ट्री फार्म के मालिक से और जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में और इनका मोबाइल नंबर। और दोस्तों, कड़कनाथ RIR ब्लैक एस्टोलेस की जो चूजे हैं इनकी क्या रेट है, तो चलिए बात करते हैं इनसे। दादा, क्या नाम है अपना? मेरा नाम ठाकुर सिंह कुशवाहा। दादा, ये जो क्षेत्र है ये क्या बोलते हैं क्षेत्र को? इसको हारकोटा गिरवाई नाका AB रोड ग्वालियर। हाँ, तो दादा आप हमें ये बताएं जो वैक्सीन हम यूज करें वो किस कंपनी की यूज करें? ये वैक्सीन इसमें वेंकी कंपनी की आती है, स्टेलन की आती है, हेस्टर की आती हैं, ये अच्छी कंपनियां हैं और हम लोग इनको काफ़ी सालों से चला रहे हैं और इनके रिजल्ट भी अच्छे हैं। पर यही है कि वो लाने के बाद सही फ्रिज में मेंटेन की जा रही हैं तो ही वो अच्छे रिजल्ट आएंगे, वरना आपका नुकसान हो ही सकता है क्योंकि फ्रिज में लाइट नहीं है तो उसका वायरस मर जाएगा। तो आपने जो वैक्सीन के नाम बताए हैं ये वैक्सीन हर रोग में अलग अलग आती है कि कंपनी सब में बनाती है? इनके हर तरह की जो बीमारी होती है उसकी अलग अलग बनाई जाती हैं। तो कंपनी यही रहेगी? हाँ, कंपनी ये रहेगी। दूसरी जो एस्टर है या स्टेलन है, इनकी सभी कंपनियों के सारे वैक्सीन आती हैं। अच्छा, सभी कंपनियों के सारे वैक्सीन आते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये जो कड़कनाथ का चूजे अभी निकले हुए हैं ये आप देख सकते हैं, ये अभी कोशिश कर रहा है अंडे से पूरी तरीके से निकलने की। ये देखिए और ये देखिए, कुछ चूजे ये निकले हुए हैं, बाकी चूजे दूसरी जगह उठा के रख दिए हैं। ये देखिए कड़कनाथ के चूजे हैं इसमें। और दादा कौन से हैं चूजे इसमें? और सोनाली है, RIR है, सोनाली है, RIR है, अस्टरलॉक है। अच्छा, ये अलग अलग डेटों पे अलग अलग निकलते हैं, पर कुछ अंडा रख दिया जाता है। अच्छा, जैसी डिमांड रहती है उस हिसाब से बुकिंग रहती है तो वो अलग अलग उसमें आता है। तो बाकी चूजा जो है जो निकल चुका अंडे से वो चूजा यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया गया है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दादा से। तो ये बताएंगे आप हमें कि ये जो अंडों से चूजे निकलने जाते हैं ये कौन कौन सी नस्ल के चूजे हैं? अपने पास कड़कनाथ है, सोनाली है, अस्टरलॉक है, RIR है। तो इनकी रेट बताएंगे जरा? हाँ, इसका कड़कनाथ का 65 रुपये का चूजा देते हैं अपन, करीब 3-4 दिन का तैयार करके। हो सकता है तो पहला वैक्सीन और दूसरा वैक्सीन भी कर देते हैं। और बाकी RIR और ब्लैक एस्टोलेस? हाँ, ये भी मिलते हैं, ये 50 रुपये का चूजा है इसका। 50 रुपये का चूजा है। तो आप हमें बताएंगे कि ये जो मशीन आपने बनाई है ये किस तरह जुगाड़ से बनाई है मशीन और इसमें आपने कितनी मेहनत की है, कितना समय लगा? अब इसमें तो करीब मेरे को महीना भर लग गया था। ये मशीनों से ऑटोमेटिक सिस्टम से किया है, 90 मिनट के बाद अप डाउन होती है, ऊपर नीचे सारा अंडा घूमता है और ये इसके सेंसर वगैरह ये लगा रखे हैं, इससे समय पे जितना टेम्परेचर चाहिए उतना मिलता है, जितना ह्यूमिडिटी चाहिए उतनी मिलती है। ऑटोमेटिक टंकी लगा रखी है बाहर, इससे पानी ऑटोमेटिक चलता रहता है इसमें। भाप के लिए 24 घंटे में करीब 5-7 लीटर भाप पानी की बन जाती है इसमें। तो आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? क्या हुआ, कोरोना काल में मैं बाहर से बच्चे मंगाता था, उस समय सारा बिजनेस ठप हो गया, तब ये दिमाग में आया क्यों ना कि मैं मशीन बनाऊं। तो मैंने मशीन बनाने जब शुरू किया तो शुरू में दिक्कतें आई, बाद में फिर मैंने पश्चिम बंगाल से इसके कुछ जो है ये सेंसर वगैरह जी मैंने मंगाए और मैं कामयाब हो गया। आज 90% बच्चा निकाल रहा हूँ मैं यहाँ। ये कितने अंडे निकाले जा सकते हैं इस मशीन से? 1500 अंडा एक बार में निकाला जा सकता है, 1500 अंडे से चूजा, 1500 अंडे से चूजा एक बार में निकाला जा सकता है। तो आप कितने परसेंट चूजा इसमें निकलता है? इसमें 9-10% तो अनफर्टिलाइज अंडा निकल जाता है, उसके बाद 90% के करीब चूजा निकलता है, जिसमें 2-4 चूजे तब भी फंस के मर जाते हैं, वाला ही 88-90% चूजा निकल आता है, पर अच्छा फर्टिलाइज अंडा है जब। अच्छा, चलिए दादा इसको देख लेते हैं मशीन को और चूजों को नजदीक से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। ये अंडा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ये निकाला जा रहा है चूजा, इसमें अस्टरलॉक और कड़कनाथ के चूजे निकल चुके हैं। और चलिए देखते हैं कड़कनाथ के चूजे कौन से, ये वाले कड़कनाथ के चूजे? ये कड़कनाथ है, ये वाले और अस्टरलॉक है, ये वाइट और ये अस्टरलॉक है। अच्छा, ये कड़कनाथ है, ये कड़कनाथ। हाँ, और ये चूजे ये भी निकाले जा रहे हैं, ये सोनाली और अस्टरलॉक दोनों के ही हैं।
अच्छा, ये सोनाली और अस्टर लॉक की चूजे? हाँ, ये अभी निकल रहे हैं और ये कल रात में निकले हैं। तो कौन सी ये हैं? कल रात के देख लेते हैं नजदीक से। कल रात के जो चूजे निकले ये वाले हैं दोस्तों। और ये कौन सी नस्ल है? ये सोनाली है। अच्छा, ये सोनाली नस्ल है। और आपने बताया ये कड़कनाथ है? कड़कनाथ और अस्टर लॉक दोनों मिक्स है इसमें। अच्छा, कड़कनाथ और ब्लैक एस्टोलस, ये दोनों मिक्स हैं। हाँ। ये कितने दिन के चूजे? ये भी 24 घंटे के ही हैं अभी। अच्छा, ये भी 24 घंटे के हैं। तो ये बाकी जो अंडे हैं, बाकी अंडों से बच्चे लगभग कब तक निकलेंगे? हर 4-5 दिन में फ्लॉक निकलता है। 4-5 दिन में, 4 दिन बाद दूसरा फ्लॉक निकलेगा। अच्छा, तो दादा कुछ और बताएं इस मशीन के बारे में। आपने किस तरह कहां से सामान लिया, ये क्या परेशानी हुई आपको? हाँ, मैंने ग्वालियर से ये लोहिया बाजार से ये एंगल वगैरह लेके आया। अच्छा, ये और ये मोटर वगैरह पश्चिम बंगाल से मंगाई मैंने। कौन सी मोटर है देख लेते हैं। हाँ, ये लगी हुई है हर 90 मिनट बाद 2 मिनट के लिए घूमती है। अच्छा, 90 मिनट बाद 2 मिनट के लिए घूमती है। और नीचे लिमिट स्विच लगे हुए हैं जो एक स्तर पे आगे उसको कट ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ये जो प्लेट है, ये प्लेट बताइए आप कहाँ से लिया आपने ये प्लेट है? ये तो पश्चिम बंगाल से मंगाई है, 102 अंडे की क्रेट जो है। अच्छा, और ये तो जो नीचे यहीं पर काटवा के बनवाया लोहे की एंगलों पर। अच्छा, और इसमें आपने और क्या जुगाड़ की है? जुगाड़ क्या है इसमें, ये अपना पारे वाला मीटर लगा हुआ है। अच्छा, ये देसी पारे वाला मीटर? हाँ, पारे वाला मीटर है ये, देसी पारे वाला मीटर है ये वाला। और ये दूसरा जो मीटर लगा हुआ है ये भी पारे वाला है। पारे वाला है ना? क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऊपर नीचे टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन इनसे दोनों से कंपेयर करके लगते हैं तो सही रहता है। अच्छा दादा, ये जो चेन है ये शायद साइकिल की चेन है? हाँ, साइकिल वाली चेन है, पर उसी के हिसाब से उसके ग्रुप है, तो वही ऊपर नीचे उसको हर 90 मिनट बाद करती है। दोस्तों दिखाते हैं आपको साइकिल की चेन से किस तरह ये मशीन बनी हुई है पूरी। और नीचे अपने पंखे लगे हुए हैं जो ऊपर से हवा खींच रहे हैं, नीचे से हवा दे रहे हैं इनको। अच्छा, ये साइकिल की चेन से पूरी जुगाड़ से बनाई हुई मशीन है। और नीचे जो पंखे लगे हुए हैं, कौन से पंखे हैं देखते हैं? ये पंखा लगा ये हवा दे रहा है। एक पंखा ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, एक पंखा और ऊपर लगा हुआ है। दो पंखे हैं जो हवा को सर्कुलेट करते हैं इसी में। तो दादा आप हमें ये बताएं, ये छोटे जो चूजे हैं, इन चूजों को आप खाने में क्या देते हैं जिससे ये ताकतवर और सही बने रहे? अपन इसको 24 घंटे तो मक्का का दलिया देते हैं। अच्छा। मक्का के दलिए के बाद में फिर प्री स्टार्टर आता है इसका, लेयर वाला। तो ये प्री स्टार्टर हर जगह मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है, लोग कोशिश करे तो मिल ही जाता है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से देते ही हैं उन लोगों को। अच्छा, क्या कॉस्ट होगी ये प्री स्टार्टर की? अब हम लोग जो दाना बना रहे हैं वो करीब जो है 44 रुपए किलो दाना पड़ता है। अच्छा, तो ये लगभग एक महीने में कितना प्री स्टार्टर खा जाएंगे, 100 बच्चे 200 बच्चे? अगर मान लीजिए 100 बच्चे काटते हैं तो पर बच्चा आधा किलो के करीब महीने भर में खा जाएगा। अच्छा, महीने भर में खा जाएगा और वेट गेन भी करेगा? वेट गेन भी करेगा ना। इसके अलावा और कुछ है बताने के लिए? इसके अलावा ये है कि आप प्री स्टार्टर अच्छे क्वालिटी के दाने से पालें। अक्सर लोग यूट्यूब पर देख के नहीं कहते हैं मेरी फ्री रेंज है, बाहर चुन रहे हैं। 100 मुर्गियों को करीब 11 किलो 10 किलो अनाज का बना हुआ सोयाबीन से दाना चाहिए, वो उनको मिलेगा तो ग्रोथ करेंगे, नहीं तो फ्री रेंज में क्या रखा है, मट्टी खा के कोई पोल्ट्री सो ही चल पाएगी। अक्सर लोग यूट्यूब पर जाके बहुत से बर्बाद होते देख रहे हैं लोगों को, ताकि मेरी सलाह तो यही है, डॉक्टरों की भी सलाह लें और इसको सही प्री स्टार्टर खिला के 4.5 महीने में फुल ग्रोथ पे लाएं, और ताकि मुर्गी का विकास हो, अच्छा अंडा दे सके। तो ये 4.5 महीने में कितना किलो वेट गेन कर लेती है? वैसे मुर्गी 1.5 किलो के करीब वजन लेने चाहिए, ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए अंडे वाली मुर्गी का। अंडे वाली मुर्गी का ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मतलब आपका कहना है कि 4 महीने में 1 किलो वेट 1.25 किलो वेट गेन कर लेती है। और अंडा कितने समय में देना चालू कर देती है? 4.5 महीने से अंडा आना शुरू हो जाता है इसका। 4.5 महीने में एक दुक्का, 5 महीने पे करीब 60-70% अंडा आने लगता है। अच्छा, कुछ लोग किसानों का कहना है कि उन्होंने चूजे पाले, उनके यहाँ जो मोर्टिलिटी है वो ज्यादा है, तो इसका क्या कारण है? उसका ये कारण है वो छोड़ देते हैं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, कोई ज्वार डाल रहा है, कोई बाजरा डाल रहा है, कोई कनकी डाल रहा है, इससे चूजे थोड़ी पलते हैं। सोयाबीन से और फिश के दाने से बना हुआ जो दाना आता है उससे ग्रोथ लेता है, उससे अच्छी हेल्थ रहती है बच्चे की, तो कोई बीमारी नहीं है। जब कमजोर रहेगा तो स्वाभाविक ही है कि बीमारी आएंगी। और इसके साथ में कुछ मल्टीविटामिन? हाँ, मल्टीविटामिन में कोई एंटीबायोटिक लगा लो, विटामिन A D 3 लगा दो, बी कॉम्प्लेक्स दे दो बीच बीच में, पर अच्छी क्वालिटी का दाना देना ज्यादा बेटर है। तो ये क्या पानी में दिया जाता है? पानी में भी दे सकते हैं, दाने में भी दे सकते हैं। जैसे गर्मी में
ज्यादा पानी पी रहा है पानी में दे दो, सर्दियों में पानी नहीं पी रहा तो अपन दाने में मिक्स करके दे दो, दाने में मिक्स करके देख लो। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये जो मशीन बनी है ये किस तरह से बनी है और कैसे बनी है, देखते हैं नजदीक से। ये देखिए दादा बताइए, अरे ये जो दरवाजा है इसका ये 4x6 के ऐसे प्लाईवुड से बनाया हुआ है और कवर लगा दिया स्टील का, इसमें अंदर ये झूला टाइप का अपन ने ये बनाया अंडा ऊपर, और बैरिंग लगे हुए हैं ताकि वजन को सहन करे और अंडे को ऊपर नीचे करने मोटर की सहायता रहे उसमें। जो ये जो फ्रेम बनी हुई है ये बिल्कुल दरवाजे जैसी फ्रेम है, तो है ना, और उस दरवाजे की तरफ फिटिंग है। तो ये देख ली लकड़ी का दरवाजा है, ये लकड़ी का दरवाजा आया और उस पर ये लोहे की फ्रेम लगा के किस तरह जुगाड़ से तैयार की गई मशीन है और बाकायदा अंडों से बच्चे निकल रहे हैं, सक्सेस है पूरी तरीके से। टेम्परेचर मेंटेन रहे ताकि अपन ने इसमें 2 सूत वाली प्लाई लगाई हुई है प्लास्टिक की बढ़िया वाली जी, ताकि इसका टेम्परेचर को रोक के रखे वो। अच्छा, टेम्परेचर को रोक के रखे। दादा की एक छोटी मशीन और है, इसे और देख लेते हैं। ये है अपनी करीब 150 चूजे निकालती है मेरी। अच्छा, हाँ इसमें हम लोग अगर इससे दिक्कत आती है तो इसमें भी कर देते, इसमें भी कुछ लगे हुए। हाँ हाँ, ये देखिए दोस्तों किस तरह अभी चूजे हैं इसके अंदर, अभी ये चूजे निकल रहे हैं उसमें। अपन जैसे जरूरत पड़ती है मशीन से ज्यादा और डिमांड रहती है लोगों की तो इसमें अंडा सेट कर देते हैं अपन लोग। तो दादा एक जरा अंडा उठा के दिखाइए, चटका हुआ अंडा है कि चूजा निकल रहा है क्या इसमें से अभी? हाँ चूजे तो ये निकल रहा है, देखिए ये, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर अजय खोल के चूजा निकल रहा है, ये देखिए अब ये बच्चा निकल जाएगा 1-1.5 घंटे में। अच्छा, 1-1.5 घंटे में निकल जाएगा बच्चा। ये मैनुअल है, हाथ से घुमाना पड़ता है अंडा इसमें। अच्छा अच्छा, मैनुअल है यहाँ से। तो दादा ये देख लेते हैं बच्चों को जी, ये देखिए ये बच्चा निकल रहा है, ये देखिए ये बच्चा अभी 1 घंटे में सूख के बिल्कुल सही निकल आएगा। अभी अंडा फाड़ के अब निकलने की कोशिश कर रहा है ये। अच्छा, निकलने की कोशिश कर रहा है ना। तो इसके पेट में जो यॉर्क है वो कितने समय तक काम करता है? ये करीब 48 घंटे तक काम करता है इसके पेट में। 48 घंटे तक इसे खाना पानी देने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है सर। तो आप इस बॉक्स में पानी रखते हैं किस वाले में? नहीं, अभी 24 घंटे के बाद 36 घंटे के बाद बाहर निकाल लेंगे, फिर रखे तो रखे, नहीं तो इस समय कोई जरूरत नहीं है। अगर दाना पानी खिलाया तो लोगों को दूर तक ले जाने में दिक्कत आएगी, वो रस्ते में पानी कहाँ पिलाएंगे इसको? पानी कहाँ पिलाएंगे, दाना खाएंगे तो प्यास लगेगी इसको। दादा कुछ और बताएं जिससे किसान भाई इस नस्ल को या इन चूजों को पाल कर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सके। मैं तो ये चाहूंगा किसान अगर छोटा सा फार्म बना के अगर इसे पालता है तो करीब 2-2.5 किलो दाना खा के 1 किलो का हो जाता है और करीब उसकी कॉस्ट 200 के अंदर अंदर पड़ती है, 350-350 रुपये किलो मार्केट में आराम से बिक जाता है। तो इंसान चाहे तो थोड़ी सी जगह में 1000 स्क्वायर फीट में 1 बीघे की प्रॉफिट के बराबर पैदावार कर सकता है, पर वह शर्त है कि उसको बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरीके से पालना जैसे चूजा पाला जाता है, सारे वैक्सीन करें, सही दाना खिलाए और टेम्परेचर मेंटेन करें। ये ऐसा ना करें यूट्यूब पे देख लिया कि फ्री रेंज से कुछ नहीं पलता, 100 बच्चों को 10 किलो दाना चाहिए 1-2 महीने के बाद, वो काम ही लेगा, लोग कहते हैं फ्री रेंज। इसलिए मेरा तो यही सलाह है कि डॉक्टर जो वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है उसी तरीके से पाले और भरपूर उसकी प्रॉफिट पाए उसको और अपने परिवार को खुशहाल बनाए। मेरा तो यही है कि मेहनत करें तो उसको पूरा फल मिले। अच्छा दादा, जैसे कोई व्यक्ति आपसे चूजा लेके गया और वो चाहता है कि उसे जानकारी भी आधी अधूरी है तो वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें, तो आप क्या मदद करेंगे उसकी? मैं उसकी पूरी मदद करता हूं और जबकि वो नहीं भी फोन लगाता तो मैं 1-2 दिन बाद पूछता रहता हूं, भैया टेम्परेचर मेंटेन सही करना, ये दवाई देना, ये समय पर वैक्सीन करना। मैं जानपुर के उसको खुद फोन लगा के कहता हूं, क्योंकि नए नए लड़के ले गए शौक में पाल लिए, कुछ बातें भूल जाते हैं, इससे मोरलिटी आती है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप ले जाइए पालिए और आपकी इनकम अच्छी होगी इससे। दूसरी इसकी वीट जो है खेती में डालें तो आजकल 1200-1500 का DAP यूरिया का कट्टे आते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं भी अपने गुलाब में और अपने गेंदे के खेतों में और सब्जी की खेतियों में इसी की वीट डाल रहा हूँ, तो मुझे तो भगवान की कृपा से सारा अच्छा ठीक है। और यही किसानों से मैं प्रेरणा करता हूँ कि वो भी ऐसे अपने हैं छोटे बड़े किसान वो पालें, 1000 स्क्वायर फीट में वो आराम से देसी मुर्गी पालन करके कम से कम 5-10 हज़ार रुपये महीने की इनकम वो कर सकती है।
दोस्तों आपने देखा कि एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगा के अंडों से बच्चे निकाले जा रहे हैं और दादा इससे अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, चूजे खरीद कर मुर्गी फार्म खोल सकते हैं, चाहे कड़कनाथ की नस्ल हो या RIR की नस्ल हो, उन नस्लों से अंडों का प्रोडक्शन भी हो सकता है और मीट के मतलब से भी हो सकता है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और रही मदद की बात, तो दादा से आप चूजे खरीदते हैं तो जानकारी भी बिल्कुल दादा से बिल्कुल फ्री मिलेगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जब दादा को कॉल लगा लें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हाँ दादा आप बताएं कि ये चूजे देते हैं ये वैक्सीन करके देते हैं या ये जो रेट बताई है आपने ये बिना वैक्सीन की है? जो अपन वैक्सीन लगाते हैं मेरेक्स का जो फर्स्ट डे लगता है और उसके बाद में अगर ये 7 दिन तक रुकता है तो अपन लसोटा रानीखेत का वैक्सीन कर देते हैं। अच्छा, लसोटा और रानीखेत का वैक्सीन कर देते हैं तो उससे कीमत बढ़ जाती है शायद? कीमत क्या, इनकी सेफसाइड हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनकी बढ़ जाती है, एकदम किसी के जाने के बाद बीमारी नहीं आएगी। नहीं, जैसे आपने जो इनकी रेट बताई है ये दो वैक्सीन करने के बाद बताई है या सिंगल वैक्सीन की थी? सिंगल वैक्सीन के साथ पुट्टो को फर्स्ट डे मैरिज की वैक्सीन लग पाती है ना, जब तक ले जाते हैं 2-3 दिन का बच्चा लोग। अच्छा, तो इनको अभी कौन कौन सी वैक्सीन आप करके देते हैं और कौन कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए? और हाँ, जैसे हम लोग तो मैरिज कर देते हैं, उसके बाद ले जाने के बाद उन्हें लसोटा गुम्बारो और करीब जो है 60 दिन का हो जाए तो फॉल पॉक, 75 दिन का हो जाए तो रानीखेत, और IV वैक्सीन भी करनी चाहिए जिससे अंडे के लिए आगे इसमें दिक्कत ना आए। और ये पानी में दी जाती है वैक्सीन या इंजेक्शन द्वारा? आधी इसमें इंजेक्शन द्वारा दी जाती हैं, आधी पानी में पिलाई जाती हैं, लसोटा और गुम्बारो जो पानी से पिलाई जाती हैं। अच्छा, और जो अपने R2B है फॉल पॉक से जो इंजेक्शन से पंखों में दी जाती है। अच्छा दादा, ये बताएं आप कि कोई कस्टमर आपसे बच्चे लेना चाहता है, मतलब कड़कनाथ के चूजे लेना चाहता है तो आपसे किस तरह संपर्क करें, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर? हाँ, मेरा नंबर है 90-74-82-95-41, ग्वालियर में रेलवे स्टेशन से 7-8 किलोमीटर दूर है, गिरवाई नाका पुलिस थाने के पास ही गिरिराजी काली माता मंदिर है। तो जैसे कोई कस्टमर आता है आपके पास में और आपको कॉल लगा के आपसे कहे कि मैं फलानी जगह खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, तो आप उसकी किस तरह मदद करेंगे? उसको हम हो सकता है तो लेके आ जाते हैं, मोटरसाइकिल से किसी लड़के को भेज देते हैं, वैसे मैं नेवी रोड पर हैं तो आराम से आ भी जाते हैं, दिक्कत आती हो तो हम लोग जाके ले आते हैं उसे। तो ये जो चूजे वो किस तरीके से ले जाए कि चूजा भी मरे ना और उसके यहाँ तक पहुँच जाए? इसको अपन कागज के डिब्बे में पैकिंग करते हैं, एक खाने में 15 बच्चे आते हैं, 4 खाने रहती हैं, तो 60 बच्चे एक डिब्बे में पैक होते हैं, वो कहीं भी ले जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी चूजों को? इसमें जो है 24-36 घंटे जो अंडे का योग का रहता है, 48 घंटे तक अगर कुछ भी ना दिया जाए तब भी जिंदा रहेगा बच्चा। तब भी जिंदा रहेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह का वो डब्बा है जिसमें चूजे पैक किए जाते हैं और उनकी सर्विस बाहर होती है, देख लेते हैं उस चीजों को भी। हाँ दादा, तो जरा बताएं हमें ये जो खाने बने हुए हैं 4, इन खानों के अंदर कितने बच्चे आएंगे और कैसे आएंगे? 15-15 बच्चे आते हैं एक खाने में। ये इस खाने में 15-15 बच्चे? हाँ, 60 बच्चे आ जाते हैं। और सांस लेने के लिए ये सुराग बने हुए साइडों से, तो ऊपर से ढक्कन, ऊपर से ढक्कन लग जाता है उसका। हाँ, तो कोई भी कस्टमर इन डब्बों के अंदर चूजों को रख के ले जा सकता है बड़ी आसानी से और चूजा मरेगा भी नहीं। अच्छी तरह पैक करके देते हैं ताकि उनके वहाँ तक पहुँच सके, यहाँ से 100-200 किलोमीटर आराम से चला जाता है। अच्छा, जहाँ से राजस्थान जाता है, जयपुर है, वहाँ तक गंगापुर सिटी, इधर सभी जो जा रहा है बच्चा यहाँ से। जैसे इलाहाबाद जाना, ये फ्लॉग निकलेगा वो इलाहाबाद जाएगा। तो किस किस राज्य से आपके पास डिमांड आती है? अब UP, उत्तर प्रदेश और जो अपना इधर से राजस्थान से और मध्य प्रदेश में तो लेते ही हैं लोग, यहाँ आस पास में तो लेते ही हैं। तो लगभग आप कितने चूजे की सेल कर देते हैं महीने भर में? महीने भर में 2 फ्लॉक निकल जाते हैं, करीब 2000 बच्चा आराम से निकल जाता है, अभी ये मशीन छोटी है तो 2000 बच्चा हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। 2000 बच्चा आराम से निकाल लेते हैं ना? तो ये जो अंडे है ये आपके खुद के फार्म के अंडे हैं? मेरे यहाँ इनका पेरेंट पला हुआ है, मेरे खुद के यहाँ के ये अंडे हैं
उसी से चूजा निकाल रहा हूँ मैं, जो उनको दे रहा हूँ लोगों को। तो ये जो कड़कनाथ की नस्ल आपके पास कहाँ से आई? कड़कनाथ की मैं झाबुआ से कुछ प्यार लाया था। अच्छा, उससे डेवलप किए हैं मैंने, वही चल रहे हैं। जब हटता तो फिर दूसरा फ्लॉक मंगा लेता हूँ, क्योंकि एक ही फ्लॉक से बच्चे नहीं निकाले जाते, ग्रोथ नहीं आती, उसका पेरेंट तैयार किया जाता है अलग से। अच्छा, पेरेंट तैयार किया जाता है। चलिए बात करते हैं दादा से अब कि दादा हमने देखा RIR के चूजे हैं, ब्लैक एस्टोलेस के चूजे हैं और कड़कनाथ के चूजे हैं, इसके अलावा कोई चौथी प्रजाति आपके पास? अभी अपन पे RIR एस्टोलॉग जिसकी सोनाली और कड़कनाथ चारी ब्रीड है। अच्छा, सोनाली भी है आपके पास? चारी। रेट में कोई अंतर? रेट में कोई अंतर नहीं है, लगभग मिलता जुलता ही रेट है, कड़कनाथ का जरूर 15 रुपए ज्यादा है इससे। अच्छा अच्छा, तो ये जो बाकी नस्लें हैं ये अंडा देने में सक्षम ज्यादा है? हाँ, ये अंडा करीब साल में 260 से 280 तक अंडा देती है, और सबसे ज्यादा अंडा देने वाली नस्ल है ये। सबसे ज्यादा अंडा देने वाली नस्ल है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले कोई नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। आपका उस्टैंड दोस्त हरीश पवार, जय हिंद।